نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Dear online student, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. कल हम वालेकुम लोगों ने अस्सलाम वरहमतुल्लाह। एक सवाल को कंटिन्यू किया हुआ था और हमने उस सवाल पे दो बातें सॉल्व कर दी थी. सवाल आपके सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा है, एसन ट्रेडर्स का. यस, उसमें हमने पहले एडजस्टिंग एंट्रीज पास की थी और वो एडजस्टिंग एंट्रीज ये रही, आपको नजर आ रही होंगी, नजर आ रही है सबको. यस, इसके अलावा हमने इसकी क्या बना दी थी, स्टेटमेंट ऑफ स्टेटमेंट प्रॉफिट ऑफ एंड लॉस. यस, SOPL, जो कि ये रहा. क्या मैंने यहाँ पे कोई एसेट दिखाया, कोई फर्नीचर, कोई लैंड, कोई बिल्डिंग, कोई कंप्यूटर, कोई कैश, कोई एसेट दिखाया? नहीं. क्या मैंने यहाँ पे कोई अकाउंट्स पेबल, कोई लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, कोई लोन शोन, कोई लाइबिलिटी दिखाई? क्या कोई कैपिटल दिखाया? ये सारी चीजें एसेट, लाइबिलिटी और कैपिटल, क्या ये SOPL में जाते या SOFB में जाते? SOFB यानी बैलेंस शीट पे जाते. यस सर. ठीक है सर. अच्छा, अब आप ये बताएं, हमारे पास कल जो हमने इनकम स्टेटमेंट बनाई SOPL, इसमें सिर्फ क्या क्या चीजें दिखाई, रेवेन्यू और एक्सपेंस. अब हम जो बनाएंगे, जो हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, तो उसमें एसेट भी होगा, उसमें लाइबिलिटीज भी होंगी और उसमें कैपिटल भी होगा. उसमें कोई रेवेन्यू और एक्सपेंस नहीं होंगे. ठीक है, इज दैट क्लियर? वो इस सवाल की रिक्वायरमेंट नंबर 3 है, राइट? यस सर. क्या रिक्वायरमेंट है, क्या बनाना है? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन. कंपनी का नाम क्या है, बंदे का नाम था एसन ट्रेडर्स, ऐसा ही है? यस सर. या, और हम एसन ट्रेडर्स की क्या बनाने जा रहे हैं, स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट तो बना रहे हैं, बैलेंस शीट कहते हैं, बिल्कुल. बैलेंस शीट पुराना नाम है, नया नाम क्या है? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन. या. और ये फॉर द ईयर बनती है या एज ऑन बनती है? फॉर द ईयर नहीं, एज ऑन या एज ऑन. हमारा ईयर एंड, ईयर एंड की डेट क्या थी, कोई बताएगा? 31 अच्छा, ये बताएं कि अभी सबसे पहले आएंगे एसेट्स, क्या आएंगे? हाँ, ये बिल्कुल एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है. हाज आर डिफाइंड बाय इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, राइट? यूके बेस्ड स्टैंडर्ड्स, राइट? ओके. स्टैंडर्ड में, ओ सॉरी, एसेट में दो किस्म के एसेट होते, नॉन करंट और करंट. यस सर. IAS फरमाता है पहले नॉन करंट एसेट आएंगे. कौन से एसेट आएंगे? नॉन करंट. या, पहले कौन से एसेट आएंगे? नॉन करंट्स. अच्छा, नॉन करंट एसेट क्या होते हैं, जिनकी लाइफ एक साल से ज्यादा होती है. ठीक है, नॉन करंट एसेट क्या होते हैं, जिनकी लाइफ एक साल से ज्यादा हो. अब यहाँ पे मसला ये है, अगर मैं सवाल को सामने रखूं, मैं हाईलाइटर यूज करूंगा, नॉन करंट एसेट को हाईलाइट करूंगा कि सवाल में कौन कौन से नॉन करंट एसेट है, राइट? आप लोगों से पूछता भी रहूंगा. लैंड करंट एसेट होती है, नून करंट होती है? नॉन करंट. एक तो लैंड हो गई, दूसरा क्या है? बिल्डिंग भी नॉन करंट है? यस सर. इक्विपमेंट भी नॉन करंट है? यस सर. फर्नीचर एंड फिक्स्चर भी नॉन करंट है? यस सर. तो हाउ मेनी नॉन करंट एसेट्स आर देयर? फोर. उसके बाद अगर मैं नीचे देखूं तो ये तो ओपनिंग इन्वेंटरी तो वहां चली गई, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में. ऑफिस सप्लाईज जो बच गई है वो एसेट है. ट्रेड रिसीवेबल करंट एसेट, ऑफिस सप्लाईज करंट एसेट, प्रीपेड इंश्योरेंस करंट एसेट, कैश करंट एसेट, बाकी ये नॉन करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी नाम ही काफी है. ट्रेड पेबल, कैपिटल, बैंक. इसके अलावा पूरे सवाल में कोई और नॉन करंट एसेट मौजूद नहीं. अब इसमें ना एक छोटी सी वर्किंग होती है, क्या होती है छोटी सी?
वर्किंग हाँ मैं कोशिश करता हूँ आपको समझाने के वास्ते वर्किंग जो है ना बैलेंस शीट जहाँ बना रहा हूँ ना वर्किंग अगले पेज पे करता हूँ चले मैं यहाँ पे एक वर्किंग कर रहा हूँ क्या कर रहा हूँ यहाँ पे एक वर्किंग और वर्किंग में नॉन करंट एसेट्स की वैल्यूज कैलकुलेट कर रहा हूँ क्या करूँगा नॉन करंट एसेट्स की वैल्यूज थोड़ा सा दिल चाह रहा है रेड मार्कर से लिखने का तो ये हम कैलकुलेट कर रहे हैं नॉन करंट एसेट्स असल में आप लोग सोच रहे होंगे कि सर क्या कैलकुलेट कर रहे हैं नॉन करंट एसेट्स की वैल्यूज इसको बोलेंगे W1 क्या बोलेंगे W1 W1 का मतलब होता है वर्किंग नंबर 1 वर्किंग 1 क्या मतलब होता है वर्किंग नंबर 1 हां यहां पे ऊपर हेडिंग डाल लो अब हम कुछ वर्किंग करने जा रहे हैं ठीक है वर्किंग्स अच्छा अब इसमें देखिए मैंने यहां पे लिखा डिस्क्रिप्शन क्या लिखा है डिस्क्रिप्शन हाउ मेनी नॉन करंट एसेट्स आर देयर फोर क्या आप लोग मुझे उसके नाम वन बाय वन बता सकते पहली चीज लैंड लैंड बिल्डिंग इक्विपमेंट बिल्डिंग लैंड बिल्डिंग और इक्विपमेंट इक्विपमेंट और फर्नीचर एम आई राइट यस सर अब आप पता नहीं सोच रहे होंगे सर ये वर्किंग क्यों कर रहे हैं अभी आपको इंशाल्लाह पता चल जाएगा कि व्हाई वी आर डूइंग दिस ये क्यों कर रहे हैं इसका आंसर अभी इंशाल्लाह आपको क्लिक हो जाएगा राइट ओके फर्नीचर फर्नीचर राइट अच्छा क्या चारों की कॉस्ट हाजा मालूम सर एक मिनट यार जरा होल्ड कीजिएगा मैं टेबल सही कर लूं मालूम लैपटॉप हिल जाएगा वरना बंद हो जाएगा एक मिनट टेबल जरा मैं आगे कर लूं ओके एक मिनट यार असल में डिवाइस जो है ना थोड़ी सी मसला करती है सिस्टम हिल जाती अब सही है एक मिनट चले भाई अब ये बताएं हमारे पास कितने नॉन करंट एसेट आ गए चार आप बोलेंगे सर ने पता नहीं ये क्यों लिख दिए भाई मसला ये है चारों की कॉस्ट आपको डिफाइन है देखो लैंड कितने की 1,60,000 यस बिल्डिंग कितने की है 80,000 सही है अब इधर देखिएगा 80,000 ये पहला कॉलम तो डिस्क्रिप्शन का था दूसरा कॉलम देखो मैंने किसका बना दिया लैंड की कॉस्ट कितनी थी 1,60,000 और बिल्डिंग की कितनी थी 80,000 इक्विपमेंट की कितनी थी 65 और 68 अच्छा ये बताओ ये तो कॉस्ट है ना इसमें से हम एसेट को इस्तेमाल करते हैं तो इसके ऊपर क्या रिकॉर्ड हो जाता है डेप्रिसिएशन अब ये देखो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लैंड तो डेप्रिशिएट होती नहीं है कल भी बता दिया था मैंने yes. अच्छा ये बताओ बिल्डिंग पे कितना डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड हो चुका है देखना पड़ेगा सर देखना पड़ेगा बिल्डिंग पे कितना डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड हो चुका है बताए इधर देखें बिल्डिंग पे सवाल पे देखें कितना डेप्रिसिएशन पहले से रिकॉर्ड हो चुका था 160 बिगनिंग बैलेंस कौन सा बैलेंस बिगनिंग अभी बताऊंगा ये बिगनिंग अभी समझ में आ जाएगा ये बताओ फर्नीचर फिक्स्चर पे कोई डेप्रिसिएशन पहले से रिकॉर्ड हो चुका था यस सर 10,200 उस्मान यार म्यूट करो अच्छा ये बताओ क्या इस साल मजीद डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड किया इन तीनों एसेट पे हमने नो सर किया है ना क्या हो गया जर्नल एंट्री भूल गए कल की डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इक्विपमेंट बिल्डिंग और फर्नीचर क्रेडिट भूल गए आप लोग किया था आ गया यस सर ये देखो इधर देखो चले एक मिनट आपको मैं एक मिनट इधर देखो ये देखो ये नजर आ रहा है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ये मैंने इतना बड़ा रेड सर्कल किया है नजर आ रहा है यस ये क्या लिखा हुआ है ये ओपनिंग है या फॉर द ईयर है फॉर द ईयर अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ आपने 3 साल पहले एक मशीन खरीदी एक एसेट खरीदा तो पिछले 2 साल में जो डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड हो चुका है वो तो एक्यूमुलेटेड में आ रहा होता है उसको ओपनिंग बैलेंस बोलते हैं और इस साल का जो रिकॉर्ड होता है उसमें मजीद एड होगा
तो कितना कितना रिकॉर्ड किया बताओ, सबसे पहले बताओ बिल्डिंग का 8,000 है यस, और इक्विपमेंट का 9,750 यस सर, और 3,400 ऐसे ही है यस, इसका है 8,000 रुपए सर ऐसे ही, इसका है 9,750 पक्की बात है यस सर, ये ओपनिंग है, ओपनिंग इन्वेंटरी, ये फॉर द ईयर इन्वेंटरी नहीं है भाई, क्या हो गया ये ओपनिंग, फॉर द ईयर डेप्रिसिएशन है, क्या है सर, अच्छा क्या बोल रही हो, accumulated depreciation और depreciation, इसमें क्या फर्क होगा, फर्क ये है कि ये पहले से हो चुके थे, ये इस साल मजीद हुए तो इनको प्लस करूंगा तो accumulated depreciation के कौन से बैलेंस आ जाएंगे, ending. कौन से बैलेंस आ जाएंगे, ending. Land to depreciation होती नहीं है, बिल्डिंग पे पहले से कितना depreciation रिकॉर्ड हो चुका था, 24,000 इस साल मजीद कितना रिकॉर्ड किया, 8,000 अब कितना हो गया ये 32,000 32,000 जासरा क्या बोल रही हो, तो 8,000 ये इस साल की बुक वैल्यू हुई, नहीं नहीं बुक वैल्यू कहाँ से आ गई, ये भी बुक वैल्यू तो आखिरी कॉलम में लाऊंगा, ये 8,000 इस साल का डेप्रिसिएशन है भाई, एक मिनट एक बात सुने जासरा, और आप लोग भी कुछ और भी कंफ्यूज हो रहे होंगे, वो बोलते नहीं है शर्माते हैं, एक बात सुनिएगा इधर देखो गौर से सुनना, अब मैं रिपीट कर रहा हूँ जी मुर्तुजा, मैं रिपीट कर रहा हूँ सब लोग सुनिएगा, ये बताओ नॉन करंट एसेट का पहले मतलब पता है आप लोगों को, जो एक साल से ज्यादा, वेरी गुड, जिसकी लाइफ एक साल से ज्यादा चले, अब इधर देखिए सपोज कर रहा हूँ, सपोज कर रहा हूँ समझाने के लिए, गौर से सुनिएगा मेरी बात, अगर ये बात आपको समझ आ गई ना जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, तो इनशाला ये सारी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी, ये मैंने 1, 2, 3, 4, 5 कितने साल की टाइम लाइन बनाई है, 5 साल, सपोज आपने यहाँ कोई फर्नीचर खरीदा, मिसाल को बड़ी आसान दूंगा समझाने के लिए, बहुत आसान मिसाल दूंगा, यहाँ पर आपने फर्नीचर लिया था 50,000 रुपए का, कितने का फर्नीचर लिया, 50,000, अच्छा आपने बोला कि यार 50,000 का फर्नीचर है, 5 साल की लाइफ है, हर साल 10,000 का क्या रिकॉर्ड करूंगा इसके ऊपर, अभी यार देखिए पहला साल गुजर गया कितना डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड हो गया, 10,000, दूसरे साल में कितना रिकॉर्ड हो गया, 10,000, ये बताओ तीसरे साल के शुरू में पहले से कितना डेप्रिसिएशन ऑलरेडी इस पे रिकॉर्ड हो चुका है, 20,000, अब जब मैं तीसरे साल की स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाऊंगा तो तीसरे साल का भी इसके ऊपर डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड हो जाएगा, yes. अब ये 20 और 30 कितना हो गया, 20 और 10, 30, यहाँ तक पहुंचते पहुंचते एसेट पे कितना डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर चुके, 30,000, ये क्या accumulated depreciation beginning था, तीसरे साल के शुरू में था, yes, तीसरे साल का अपना कितना depreciation आया, 10,000, तो end में कितना हो गया ये, 30,000, 50 में से 30 माइनस करूंगा आज मेरा आंसर कितना आएगा, मेरे एसेट की वैल्यू 20,000, ये बुक वैल्यू है, अब क्लियर हो गया, अब क्लियर हो गया, yes. Is that clear to everyone? स्टार्ट का होगा वो accumulated होगा, बाकी जो end का होगा उसे हम depreciation ही कहेंगे, वो for the year होता है, ये सारा depreciation है, ये सारा depreciation है भाई, आप एक asset खरीद के लाते हो ना, वो asset इसी साल थोड़ी लिया है, मैं आपको एक चीज बताऊं, इधर देखिएगा, चले सवाल से ही समझाता हूँ, एक मिनट होल्ड कीजिएगा महा, मैं बताता हूँ दोबारा एक बात सुन ले भाई, एक मिनट, लैंड तो डेप्रिशिएट नहीं होती, लैंड को तो भूल जाए, ये क्या लिखी हुई है, बिल्डिंग, बिल्डिंग कितने की है, 80,000, पहली बात तो ये सुन लो, ये बिल्डिंग इस साल नहीं खरीदी, ये बिल्डिंग पहले कभी खरीदी थी, और पहले से इस बिल्डिंग पे कितना पिछले कई सालों में, 2-3 सालों में, 4-5 सालों में कितना डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर चुके हैं, 24,000, इसका मतलब है साल के शुरू में इसकी वैल्यू थी 80 - 24, 66 आता है, नहीं सॉरी 56 आता है जी, ये साल के शुरू में इसकी वैल्यू थी जी, याद रखना एसेट की कॉस्ट में से एसेट का डेप्रिसिएशन माइनस होके बुक वैल्यू आती है, पता है ये बात सबको, यस सर, भाई मैं चलो आपसे बात पूछता हूँ, चलो सबको छोड़ दो, आप एक मेरी बात सुनो, आप दोबारा बताइए प्लीज, जी जी मैं रिपीट करता हूँ, देखिए आप लोगों के ऊपर एक, जी जी मैं रिपीट करता हूँ, आप लोगों के ऊपर एक मैं मिसाल देता हूँ, आप लोग एक लैपटॉप लेकर आ गए, सपोज करे कोई 1,00,000 रुपए का, कितने लाख रुपए का लिया है, 1,00,000,
अब आपने बोला यार हर साल इस पे 10,000 रुपए का क्या रिकॉर्ड करूंगा, डेप्रिसिएशन, एक साल के बाद वो 1,00,000 का रहेगा, 90,000, 90,000, फिर 2 साल के बाद कितना हो जाएगा, 80,000 रुपए, तो 1,00,000 और 80,000 के दरमियान कितना अमाउंट है, 20, वो 2 साल का क्या है, 20,000 डेप्रिसिएशन, अच्छा फिर तीसरे साल का फिर डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड होगा, तो वो कितना बचेगा, 70, तो इसका मतलब ये हुआ 70 बचेंगे ना, 70, yes, तो इसका मतलब ये हुआ कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे नॉन करंट एसेट हम यूज करते हैं उसके ऊपर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं तो एज अ रिजल्ट आपके एसेट की वैल्यू कम होती रहती है, इज दैट क्लियर, यस सर। अब आप पहले आप लोग बिल्डिंग की मिसाल देखिएगा, किसकी मिसाल, बिल्डिंग की एग्जांपल देखिएगा, सिर्फ बिल्डिंग समझो, एक समझ आ गया सारे समझ आ जाएंगे, बिल्डिंग कितने की थी साल के शुरू में, ये देखो कॉस्ट 80,000, 80,000 पे कितना एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पहले से रिकॉर्ड है, 24,000, अब इस साल का डेप्रिसिएशन भी रिकॉर्ड करेंगे इसके ऊपर, Yes, sir. ये देखें इस साल का इसका 8,000 रुपए डेप्रिसिएशन था, नीचे बिल्डिंग का बोल रहा हूँ कितना था, ये देखो 8,000, अब ये बोलो 24,000 तो पहले से डेप्रिशिएट था, 8,000 और डेप्रिशिएट कर दिया, एक मिनट प्लीज साइलेंट, 24,000 रुपए पहले से डेप्रिशिएट था, yes. इस yes, साल sir. कितना डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड किया, 8,000, इस बिल्डिंग के ऊपर एक्यूमुलेटेड टोटल कितना डेप्रिसिएशन हो गया, 32,000, माइनस होंगे 80,000 में से तो बुक वैल्यू आ जाएगी 48,000 आ जाएगी बुक वैल्यू, जी यस सर, जी सिस्टर रीटा आपका कोई क्वेश्चन है, हाँ सर, ये मैं सिर्फ ये पूछना चाह रही थी, ये accumulated depreciation जो बिल्डिंग का है, जी जी, ये ट्रायल बैलेंस में कैसे आ गया, ये बैलेंस शीट में नहीं होता, प्रीवियस बैलेंस शीट में, नहीं असल में प्रीवियस बैलेंस शीट में बिल्कुल होता है, वो प्रीवियस बैलेंस शीट के क्लोजिंग नेक्स्ट ईयर के ओपनिंग बन जाते हैं, राइट, जैसे मैं आपको मिसाल दूं ना, एक मिसाल देता हूँ, आपके पास कोई भी नॉन करंट एसेट है उस पर हम हर साल डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करेंगे तो एक्यूमुलेटेड तो बढ़ता रहेगा ना डेप्रिसिएशन, जनरल कॉन्सेप्ट क्या होता है, आप एक एसेट को इस्तेमाल कर रहे हैं तो विद द पैसेज ऑफ टाइम उसके ऊपर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बढ़ता रहेगा और जैसे जैसे डेप्रिसिएशन बढ़ता रहेगा ऑन द अदर एंड एसेट की वैल्यू क्या हो रही होगी, वेरी गुड। अगर मैं सिर्फ ये कहूँ ना, जैसे अभी इन्होंने कहा सिस्टर रिटा ने, और बिल्कुल सही कहा, ये प्रीवियस बैलेंस शीट के दोनों बैलेंस है, प्रीवियस बैलेंस शीट पे हमने ये बिल्डिंग दिखाई होगी 80,000 की कॉस्ट और उसमें से 24,000 माइनस करके अपनी पिछली बैलेंस शीट पे बिल्डिंग को शो किया होगा 56,000 पे। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, 56,000 के बाद मजीद इस साल जब बिल्डिंग यूज हुई तो कितना डेप्रिशिएट हो गया, 8,000 रुपए, तो अब ये 56 पे से 8 माइनस हो के तो अब आंसर कितना आना चाहिए, 48,000। देखिए यही दिस वन वी आर गोइंग टू कैलकुलेट, इधर देखिएगा ये मैंने क्या लिखा है, लैंड तो छोड़ दें, अब ये आखिरी कॉलम बना देता हूँ पहले आपको ताकि समझ आ जाए, आखिरी कॉलम में इसकी क्या आ जाएगी, बुक वैल्यू। अब आप देखें क्या लैंड के ऊपर डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड किया जाता है, नहीं, लैंड तो 1,60,000 रुपए की थी, आज भी बुक में कितने की दिखाएंगे, 1,60,000। लेकिन अब इधर देखिएगा पॉइंट टू बी नोटेड, ये है कि पहले से कितना एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बिल्डिंग पे मौजूद था, 24,000। पिछले साल का क्लोजिंग इस साल का ओपनिंग आ गया, इस साल मजीद बिल्डिंग पे कितना डेप्रिसिएशन हुआ, 8,000। ठीक है, हो जाएंगे लेक्चर अपलोड, आप टेंशन नहीं ले आप लोग, ठीक है स्टूडेंट, 24 + 8 टोटल कितना एक्यूमुलेटेड एंडिंग हो गया, 32। अच्छा मैं बताऊं, एक चीज बताऊं मुझे क्या लग रहा है, ये बिल्डिंग स्ट्रेट लाइन डेप्रिशिएट हो रही है, क्या हो रही है, स्ट्रेट लाइन, और 10 साल पे हो रही है, कैसे, 80,000 को 10 पे डिवाइड करो कितना आता है, 8,000। ये 24,000 तीन साल में आया होगा, 8 × 3 = 24 होता है, yes. ये मतलब yes, अपनी एक कैलकुलेशन, इसका मतलब है कितने साल हो गए मुझे लग रहा है इस एसिड को, तीन साल पहले हो गए थे, ये चौथा साल भी हो गया, 8 × 4 = 32 होता है,
यस सर। अब ये बताएं 80,000 में से टोटल कितना एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड हो चुका है? 32,000। अच्छा अरशद कह रहे हैं 8,000 कहां से आया? अरशद 8,000 रुपए एडजस्टमेंट पे दिया हुआ था इस साल का डेप्रिसिएशन, ये रहा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर। फॉर द ईयर का क्या मतलब हुआ? साल, इस साल का नहीं। एस एम मुर्तुजा ये क्या लिख रहे हैं आप, प्लीज ये बंद करें। फॉर द ईयर का क्या मतलब है? इस साल का, इस साल का। और ये जो ऊपर दिया हुआ था ये पिछले साल के क्लोजिंग, इस साल के क्या बने हैं? डेप्रिसिएशन। हाँ ये ओपनिंग है एक्यूमुलेटेड। तो अब जरा देखिएगा मुझे बताओ 80,000 में से कितना डेप्रिसिएशन हो चुका है? 32,000। तो आज कोई बताएगा इसकी बुक वैल्यू कितनी आ जाएगी? 48,000। वेरी गुड। 48,000 मेरे ख्याल है अब ये सबको क्लियर हो जाना चाहिए। इज दैट क्लियर नाउ? यस सर जी। सिस्टर लिटा आपको भी क्लियर हो गया? जी बिल्कुल, मुझे भी अभी समझ आ गया। गुड। अच्छा अब आ जाओ इक्विपमेंट पे। इक्विपमेंट वंस अपॉन अ टाइम पता नहीं कितने साल पहले कितने का खरीदा था इक्विपमेंट? ये देखिए 250। नहीं भाई कॉस्ट का, कॉस्ट जो खरीदा था कॉस्ट कीमत को कहते हैं मेरे भाई। वंस अपॉन अ टाइम इक्विपमेंट कितने का लिया था? अच्छा क्या पहले से इस एसेट पे कोई डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड हो चुका था? यस सर। यस सर। कितना डेप्रिसिएशन पहले से रिकॉर्ड हो चुका था? 29,250। अच्छा यार ये कुछ लोगों का माइक एक मिनट शोर ज्यादा कर रहा है, मैं नोट कर लूं किसका है पहले जरा। उस्मान, उस्मान आप ये सर ये उस्मान शादी में आए हुए हैं? मुझे पता है, आई नो उस्मान आप किसी इवेंट में आए हुए हैं। काइंडली या तो क्लास आप म्यूट कर दे माइक को काइंडली, ठीक है गुड। अच्छा अब जरा इधर आ जाए। इक्विपमेंट पे पहले से कितना डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड हो चुका था? 29,000। अच्छा इस साल मजीद कितना डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड किया? 9,750। ये इस साल का सवाल में दिया हुआ था, देखा था आप लोगों ने ये रहा? Yes. यार ये कौन कर रहा है, बोर्ड पे कोई लिख रहा है? ये जो भी कर रहे हैं काइंडली उनसे रिक्वेस्ट की जाती है खुदारा। ये कुछ लोग असल में यार ऑप्शन बंद कर देना। हाँ ठीक है, मैंने कल भी बंद किया था। सही कह रहे हैं आप, डिसेबल। ओके गुड, मैं दोबारा एक दफा फाइल ओपन करूंगा। और क्या कर रहे हैं मुर्तुजा, ये आपने लिखा था? यस सर, मुर्तुजा लिख रहा है। मुर्तुजा ये आपने लिखा था? एस एम मुर्तुजा। एस एम मुर्तुजा हुसैन, मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये आपने लिखा था? एस एम मुर्तुजा अब ये बोलेंगे थोड़ी। सर चोर कभी बोलता नहीं कि मैंने चोरी की है। अच्छा बारह लेके मुर्तुजा आपने लिखा था? सर आपने मेरी कहावत नहीं सुनी। सर ये लेक्चर आप कब अपलोड करेंगे पोर्टल? यार मुर्तुजा आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हम्बल रिक्वेस्ट है, काइंडली इस टाइप की चीजें ना करें, अदरवाइज देखिए मैं कल से आपको क्लास में अलाउ नहीं करूंगा। सर मैं अगर होता मैं निकाल देता क्लास। अली प्लीज यार आप लोग प्रोफेशनल स्टूडेंट है, प्लीज बिहेव प्रोफेशनली। अच्छा भाई इधर आ जाए दोबारा, मैंने स्क्रीन पे शेयर कर दिया, नजर आ रहा है आप लोगों को सवाल? यस सर। ओके अच्छा मैं ये कह रहा हूँ इधर देखिएगा, ये फॉर द ईयर वाला पॉइंट देखिएगा, आप मुझे बताएं कि कितना डेप्रिसिएशन आपका इस साल का है इक्विपमेंट के ऊपर, देखिएगा जरा। 9,750 ये नजर आ रहा है सबको? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा पहले से ऊपर देखे इक्विपमेंट पे कितना डेप्रिसिएशन हो चुका था? 29,250। तो इसका मतलब है पिछला डेप्रिसिएशन और इस साल का जब ऐड करूंगा तो टोटल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ जाएगा एंडिंग बैलेंस। यस सर। मेरा ख्याल से ये 39,000 हो रहा है। 39,000। अच्छा अब आप मुझे बताएं आपकी जो इक्विपमेंट की कॉस्ट है 65,000, उस कॉस्ट पे आज तक की डेट पे टोटल कितना डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड हो चुका है? 39,000। तो कॉस्ट में से माइनस कर दो 65 में से 39,
तो 26,000 वेरी गुड इज दैट क्लियर टू एवरीवन यस ओके गुड उसके बाद आखिरी एसेट है उसका नाम है फर्नीचर फर्नीचर आपने कितने का खरीदा था 68,000 फर्नीचर पे पहले से कितना डेप्रिसिएशन ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके थे 200 फर्नीचर पे इस साल का डेप्रिसिएशन कुछ रिकॉर्ड किया है 3,400 अब ये बताएं 3400 कितना टोटल आज की डेट पे फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन हो गया 13,600 ठीक है अब ये बताएं ये 13,600 क्या करेंगे हम 68,000 के फर्नीचर पे आज तक की डेट पे 13,600 का डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड हो चुका है उसको माइनस करेंगे तो बुक वैल्यू आ जाएगी 54,400 मेरे ख्याल है अब ये बात सबको क्लियर हो गई है अब आ जाओ बैलेंस शीट पे अब आ जाओ दोबारा बैलेंस शीट पे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पे सबसे पहले कौन सा एसेट आएंगे करंट या नॉन करंट नॉन करंट एसेट में चार एसेट है आपने लिख दिया एक का नाम है लैंड एक का नाम बिल्डिंग बिल्डिंग एक का नाम है इक्विपमेंट और एक का नाम है फर्नीचर अच्छा आपने इसकी वर्किंग कर ली है कोई कुछ पूछना चाह रहा था कौन पूछना चाह रहा है सर मैं ये कह रहा हूँ कि हम लोगों ने तो शुरू से पहले करंट एसेट्स लिखे नहीं तो वो आपने इंटर कॉमर्स में पढ़ा है ना जी वो तरीका भूल गया ये वो प्रोफेशनल वे नहीं है ये प्रोफेशनल वे से पढ़ा रहा हूँ मैं आपको राइट ओके सर अच्छा ये मैं करेंसी साइन ऊपर बना रहा हूँ पाक रूपीज में बात हो रही है अब आप पता है क्या करेंगे इनकी फाइनल वैल्यूज लिखेंगे कौन सी वैल्यूज फाइनल वैल्यू ये फाइनल कॉलम होता है बुक वैल्यू वाला बताए लैंड तो डेप्रिशिएट नहीं होती उसकी तो फाइनल वैल्यू वही आ जाएगी कितनी 160 बताओ बिल्डिंग की फाइनल वैल्यू क्या लिखूंगा बिल्डिंग की 48,000 और इक्विपमेंट की 26,000 रुपए आ रही थी 26,000 और फर्नीचर की 54,400 एक मिनट 26,000 और 54,000 54,400 अच्छा ये अच्छा फरवा लैंड इसलिए डेप्रिशिएट नहीं होती क्योंकि लैंड की वैल्यू कहते हैं कि बढ़ती है कम नहीं होती डेप्रिशिएट नहीं होती एप्रिशिएट अब आप बोलेंगे सर बिल्डिंग भी तो एप्रिशिएट होती है बिल्डिंग की वैल्यू क्यों डेप्रिशिएट करते हैं असल में बिल्डिंग में वेयर एंड टेयर होती है फिर उसमें आप दोबारा जो है वो कुछ चीजें बात में जो है ना वो एक वर्ड हम यूज करते हैं ना कि बिल्डिंग पे आप रिनोवेशन वगैरह करवाते हैं तो बिल्डिंग के ऊपर इसलिए डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड किया जाता है राइट अच्छा yes. ये सारी वैल्यू के लिए हमने कोई वर्किंग की थी कैलकुलेट करने के लिए तो यहाँ पे वर्किंग रेफरेंस शो करना पड़ता है ये मैंने क्या लिखा है मैंने इन सब के लिए कौन सी वर्किंग की है W1 का मतलब वर्किंग नंबर अब इन सबको टोटल करो तो नॉन करंट एसेट का टोटल आ जाएगा बताओ कितना आ रहा है 288,400 कोई और भी चेक करे क्या आंसर सही है इनका सही है अच्छा मैं इसके ऊपर लिख देता हूँ ये फाइनल कॉलम है रुपीस इज दैट क्लियर यस अच्छा नॉन करंट एसेट के बाद कौन सा एसेट आ जाएंगे अब करंट एसेट करंट एसेट अब सवाल में आपको क्या तलाश करने करंट एसेट अच्छा सवाल की एडजस्टमेंट को भी ध्यान में रखिएगा ठीक है परवा मैं बताऊंगा वहां पे भी कैसे सॉल्व होगा वहां ये फॉर्मेट बने हुए होंगे आपको फॉर्मेट पे डायरेक्ट आंसर देने होंगे मैं करवाऊंगा आप टेंशन नहीं लें हर दफा करवाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह इस मरतबा थोड़ा सा ये लॉकडाउन की वजह से आप लोगों का सेक्शन तो बाद में स्टार्ट हुआ था सेक्शन ए और सेक्शन जी वालों को मैंने काफी चीजें ऑनलाइन दिखाई थी याद है सेक्शन ए और जी वालों यस सर तो ये चीजें भी हैं ऑनलाइन मॉक पेपर में ये मैं आप लोगों को करवाऊंगा इंशाल्लाह आप टेंशन नहीं लें चाहे वो ऑनलाइन चलता रहे तब भी सॉल्व करवा दूंगा इंशाल्लाह या फिजिकल हुआ तो फिजिकल में करवा दूंगा वैसे इंशाल्लाह होपफुली फैप में फिजिकल खुल जाएगा फैप में मैं चाहे क्लासेस लिमिटेड लूँ 2-3 क्लासेस लूँ कोशिश करूंगा उसमें आप लोगों को मैक्सिमम चीजें सॉल्व करवा दूंगा उसकी
हम टाइमिंग ज्यादा रख लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, ठीक है सर? तीन क्लासेस होती है ना? हैं? तीन होती ना क्लासेस? तो तीन होती थी, वो एक अलग है। अब जब शुरू होगा ना अगर फैप में ऑनलाइन के बाद, उसके वो अपना लॉकडाउन खत्म होने के बाद, तो उस पर फिर हम ऐसा नहीं है कि वही डेज रखें, वो हम देख लेंगे, लेकिन कुछ टाइमिंग बढ़ा देंगे, कुछ ना कुछ करके ना कुछ चीजें सॉल्व कर दूंगा। वो आप छोड़ दें, वो मेरी टेंशन है, आप बस जो पढ़ा रहा हूँ ना उसको समझने की कोशिश करें। मैंने सिंपल ये कहा था कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनल अकाउंट में दो रिपोर्ट बनाते हैं, एक को बोलते हैं SOPL, दूसरे को बोलते हैं SOFP। जो SOPL होता है SOFP बैलेंस शीट को बोलते हैं, और SO अबरार आपका क्या सवाल है और अनस आपका क्या सवाल है, कोई बता दे यार, क्योंकि मुझे आगे बढ़ना है। बोले अनस, मेरा सवाल ये है कि वर्किंग का रेफरेंस देना जरूरी है, क्योंकि ये सब तो हम देखिए मैं बता रहा हूँ, ये मैं एक मिनट सुन लें। अबरार पहली बात तो ये कि अभी आपका पेपर जो है ना कंप्यूटर बेस है, पहली चीज। लेकिन अभी चूंकि ये मैं आपको रियल लाइफ में समझा रहा हूँ ऐसे काम किया जाता है, कल को आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ोगे वहां आपको प्रॉब्लम होगी फिर, राइट? पेपर में इतनी पेपर में फॉर्मेट बने हुए होंगे, डायरेक्ट वही आंसर देने होंगे, इज दैट क्लियर? यस सर। ओके गुड, हो गया। अच्छा अब जरा आप लोग एक बात सुने, सब लोग गौर से। मैंने कहा था कल जो स्टेटमेंट बनाई थी, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, उसमें कोई एसेट लायबिलिटी या कैपिटल दिखाया था? नो। वहां सिर्फ कौन कौन सी चीजें दिखाई थी? रेवेन्यू एक्सपेंस। ओके गुड, हो गया। आज जो हम बैलेंस शीट बना रहे हैं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, उसमें एसेट कैपिटल और लायबिलिटी कितनी चीजें आएंगी? तीन। सबसे पहले आएंगे एसेट। एसेट कितने किस्म के होते हैं? तीन चीजें। दो। पहले कौन से एसेट आते हैं, करंट या नॉन करंट? नॉन करंट एसेट और करंट। अब उसके बाद कौन से आएंगे? करंट। करंट। अच्छा अब एक बात सुनो, मैं एक बात आप लोगों को याद दिलाता हूँ। पहले तो मेरे जहन में दो प्रीपेड आ रहे हैं, दो क्या आ रहे हैं? प्रीपेड। कैसे? ये देखो ये क्या लिखा हुआ, मैंने टिक किस पे किया जरा देखिएगा। ऑफिस सप्लाईज। आपके पास कितने की थी पहले? 1950। नीचे लिखा हुआ था ऑफिस सप्लाईज, अब कितनी बची हुई है? सिर्फ 600। जो बच गई वो तो एसेट है ना, ऑफिस सप्लाईज। यस सर। और जो एक्सपेंस हो गई थी वो हम प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब इस साल के एंड पे वो एसेट है अभी भी। कितनी ऑफिस सप्लाईज अभी भी आपके पास मौजूद है? 600। अब आप यहाँ पे देखो, इधर देखो इनकम स्टेटमेंट पे, ऑफिस सप्लाईज जब मैंने दिखी थी यहाँ पे देखो, सप्लाईज एक्सपेंस 1950 में से कितनी बच गई थी? 1350। नहीं, 1950 में से कितनी बच गई थी? 600। तो कितनी एक्सपेंस हो गई थी? 1350। इज दैट क्लियर? यस सर। अभी इधर आ जाओ, इंश्योरेंस याद है, वो भी बच गई थी कुछ, प्रीपेड इंश्योरेंस। यस सर। ये देखिए 1000 रुपए की, ये रहा अनएक्सपायर इंश्योरेंस, कितने की बच गई थी? 1000। तो जो बच गई है वो प्रीपेड है ना, प्रीपेड इंश्योरेंस। अनएक्सपायर का क्या मतलब है, एक्सपायर अभी नहीं हुई, जो एक्सपायर नहीं हो तो प्रीपेड है ना। कितनी इंश्योरेंस प्रीपेड है? 1000। एक चीज बता दूं आपकी, वैसे प्रीपेड इंश्योरेंस सवाल के मुताबिक 11000 रुपए थी, पता है आपको? यस सर। 11 में से 10000 रुपए, वेरी गुड। 10000 क्या हो गई थी? एक्सपेंस। तो कितनी बच गई, कितनी बच गई? 1000। अब आ जाओ जरा ट्रायल बैलेंस पे, किस पे आ जाए? ट्रायल बैलेंस ऊपर आए, ऊपर आ जाए। अब मैं टिक करता रहूंगा, लैंड हो गई? यस सर। बिल्डिंग? यस सर। उसका डेप्रिसिएशन? यस सर। इक्विपमेंट हो गया, उसका डेप्रिसिएशन हो गया। फर्नीचर हो गया, उसका डेप्रिसिएशन हो गया। इन्वेंट्री, ये तो ओपनिंग इन्वेंट्री है। बैलेंस शीट ओपनिंग बना रहे या एंड की डेट पे? एंड बैलेंस शीट पे एंडिंग इन्वेंट्री जाती है। कौन सी इन्वेंट्री जो बच जाती है? कितनी इन्वेंट्री बची हुई है देखो नीचे, पहली एडजस्टमेंट पे क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी? इन्वेंट्री करंट एसेट होता है या नहीं होता? 6000। इन्वेंट्री करंट एसेट होता है या नहीं होता? इन्वेंट्री कितने की बच गई? 6000। ओके, इन्वेंट्री मैंने यहाँ पे लिख दी 6000, राइट? इन्वेंट्री आपके पास, नेट थोड़ा हिल गया शायद, होल्ड कीजिएगा। नेट चल रहा है सही? आवाज आ रही है आप लोगों को? स्टूडेंट आवाज आ रही है?
स्टूडेंट आवाज आ रही है आप लोगों को? यस आ रही है। हाँ, वो थोड़ा सा नेट की डिवाइस हिल गई थी, मैं नेट चेंज कर रहा हूँ। दूसरा एक मिनट होल्ड कीजिएगा, एक मिनट होल्ड कीजिएगा। राइट सर, यस सर, ओके। एक मिनट, वो असल में वो जो डिवाइस है ना वो सही चलती है, इसको कनेक्ट कर दूं, ठीक हो गया। अच्छा, इन्वेंट्री कितने की बची हुई है? 6,000 की सर। 6,000 रुपए की इन्वेंट्री दिखा दूं यहाँ पे? यस सर जी। कौन सी इन्वेंट्री दिखाएंगे, ओपनिंग वाली या एंडिंग वाली? ये एंडिंग वाली। एंडिंग वाली, ठीक है। अब इधर देखो, दोबारा सवाल पे आओ, सवाल पे आओ। अच्छा, ऑफिस सप्लाईज जो बच गई थी वो दिखा दी मैंने। यस। अब इधर देखो, ट्रेड रिसीवेबल कितना लिखा हुआ है? 7,500। इसकी छोटी सी वर्किंग करनी पड़ेगी, क्या करनी पड़ेगी? वर्किंग। इधर देखिएगा वर्किंग क्या है इसकी, दोबारा वर्किंग करनी पड़ेगी। अब ये वर्किंग नंबर 2, कौन सी वर्किंग कर रहा हूँ? क्या कैलकुलेट करने जा रहा हूँ? अकाउंट रिसीवेबल, किसकी वैल्यू कैलकुलेट करने जा रहा हूँ? बहुत कंफ्यूजन हो रही है। क्यों कंफ्यूजन हो रही है बोलो? अभी ये वाली वर्किंग का भी, ये वाली वर्किंग तो ये करनी पड़ेगी। और मैंने कहा था ये आप लोग थोड़ा सबर रखिएगा, कम से कम सैटरडे तक की क्लास के बाद आपको समझ आएगा, ठीक है? राइट, यस सर, ओके। अच्छा, अब ये देखिए, आप अकाउंट बताऊंगा ना ये वर्किंग क्यों कर रहा हूँ, लॉजिक समझ आएगी अभी आपको। ऊपर वाली वर्किंग समझ आ गई सबको, ये बताओ? यस सर, ठीक है। अब ये भी समझ आ जाएगी, थोड़ा सा सबर रखो। ये बताओ, अकाउंट रिसीवेबल सवाल में कितना दिया हुआ है? अकाउंट रिसीवेबल कितना गिवन था? 8,500। इधर देखिएगा सवाल, अकाउंट रिसीवेबल दिया है 7,500। अकाउंट रिसीवेबल के ऊपर बैड डेट्स और अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट रिकॉर्ड करते? अकाउंट रिसीवेबल के ऊपर बैड डेट्स और अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट रिकॉर्ड करते जी। अच्छा, ये बताएं, एक हमने अमाउंट राइट ऑफ किया था, याद है आप लोगों को? यस सर, 225 शायद। 225 रुपए राइट ऑफ कर दिए थे? यस यस सर। तो जो राइट ऑफ करेंगे वो माइनस नहीं हो जाएंगे इसमें से? हो जाएंगे। कितने पैसे राइट ऑफ कर दिए थे? 225। भाई इधर देखो ना, इधर देखो सवाल की एडजस्टमेंट देखो, ये रही। Analysis of trade receivable under aging method showed that debts amounting to ₹225 are not. सर ये कोई पहाड़ों पर बैठ के क्लास ले रहा है। कौन है, नाम बताओ उसका? कौन है ये? अनु बाबा। भाई ये कौन है यार, kindly please। ये पहाड़ों पर बैठ के क्लास ले रहे हैं। अच्छा चले, आप आ जाएं। Adjustment देखिए क्या लिखा हुआ है। ₹225 रुपए आपने राइट ऑफ करने थे, तो आपने उन 225 रुपए से क्या किया, क्या एंट्री बनाई थी? ये देखें, एडजस्टिंग एंट्री देखें। मैंने एडजस्टिंग एंट्री बनाई थी 225 की, देखिएगा। Bad debt expense debit account receivable credit, नजर आ रही है ये entry देखे? Yes sir। तो ये receivable में से plus हो जाएगा या minus हो जाएगा? Minus। Plus क्यों होगा? Plus। पैसे डूब रहे हैं। Receivable बढ़ रहा है या कम हो रहा है? एक तो ये minus होगा। दूसरा ऊपर देखो, क्या आपने कोई doubtful debt का allowance भी बनाया हुआ है? Allowance for doubtful debt देखो। Yes sir, 500। 500 रुपए। नजर आ रहे हैं 500 रुपए? ये रहा ना अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट, ये रहा ट्रायल बैलेंस में अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट क्रेडिट में। यस सर, ये अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट भी माइनस हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? माइनस हो जाएंगे। यानी अब आपका नेट कितना है अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट, कितना है? 500। ये दोनों माइनस करके बताओ, जो वैल्यू आएगी वो जाएगी आपकी बैलेंस शीट पे रिसीवेबल की। अब इधर सुनिएगा, आपका रिसीवेबल टोटल नजर कितना आ रहा था ट्रायल बैलेंस में? 7,500। वेरी गुड, कितना नजर आ रहा था? 7,500। उसमें से कितने पैसे हमने राइट ऑफ कर दिए? पैसे 25। रिसीवेबल कम हो गया, कितने पैसों पे डाउट भी हो रहा है? 500। वो भी माइनस हो जाते, तो अब कितना बैलेंस बच गया जो आपका रिसीवेबल नेट है? 6,775। ये रिसीवेबल आप बैलेंस शीट पे शो करेंगे,
कहाँ शो करेंगे? स्टेट पे टॉप बैलेंस शीट जी। जासरा बोले सर अलाउंस फॉर डाउटफुल डेप भी क्यों इसमें गया, क्योंकि वो भी हमें उस पे डाउट है जी, इसीलिए वो माइनस करके लेके जाते हैं। मैंने वहाँ वर्किंग में माइनस कर दिया, कुछ लोग यहीं पे माइनस कर रहे होते बैलेंस शीट के ऊपर, मैंने डायरेक्ट वर्किंग में माइनस कर दिया। वर्किंग का रेफरेंस दे दूंगा, वर्किंग टू फाइनल वैल्यू क्या है 6775। जी बोले जासरा। मैं वर्किंग करते हुए ये भी देखना है कि हमारी एडजस्टमेंट में क्या है और ट्रायल बैलेंस जी जी यही तो देखना है। देखिए अब आप लोगों को खुद क्लिक हो रहा है, और मैं बताऊं देखिए जासरा का नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड है, लेकिन ये माशाल्लाह इनपुट दे रही है, समझने की कोशिश कर रही है। हालांकि पहला सवाल है, मैं कम से कम इस तरीके के 6-8 सवाल 8-9 सवाल करवाऊंगा इंशाल्लाह, या कोशिश करूंगा मैक्सिमम जितने करवा सकूं 6-8 सवाल तो कम से कम, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस खुद ब खुद ही होगी, पहले सवाल में नहीं होती। मैं कह रहा हूँ ना सैटरडे तक वेट करें, कल की क्लास परसों की क्लास, फिर आपको पता चलेगा हाँ चल क्या रहा है। इज दैट क्लियर? यस सर। मैंने और सवाल। यस सर। अच्छा अब आप देखें, ऑफिस सप्लाईज करंट एसेट है, बिल्कुल है। प्रीपेड इंश्योरेंस करंट एसेट, इन्वेंट्री करंट एसेट, अकाउंट रिसीवेबल करंट एसेट, इन्वेंट्री क्योंकि बैलेंस शीट ईयर एंड पे बन रही है, एंडिंग इन्वेंट्री, प्रीपेड जितने बच गए थे इंश्योरेंस वो दिखाएं, जो एसेट है जो एक्सपेंस हो गया वो नहीं दिखाया। 11,000 रुपए की इंश्योरेंस थी, उसमें से कितनी बची हुई है सिर्फ अभी 1,000, और 1950 की सप्लाईज थी, सिर्फ कितनी बची हुई है अभी 600। और इन्वेंट्री एंडिंग कितनी बची हुई है 6,000। रिसीवेबल तो वैसे 7,500 रुपए है, लेकिन उसमें से 500 रुपए पे डाउट है, माइनस किए 7,000, 225 रुपए राइट ऑफ कर चुके हैं, माइनस किए 6,775। क्लियर? अब आ जाओ क्वेश्चन पे दोबारा, यहाँ तक पहुंच चुका था अलाउंस फॉर बैड डेट्स, प्रीपेड इंश्योरेंस दिखा दी मैंने। अब कैश एंड बैंक एसेट होता है, कैश एंड बैंक कितना है, कैश और बैंक का बैलेंस 10,550। इधर देखो 550, तो क्या ये भी करंट एसेट होता है? मैंने यहाँ पे लिख दिया कैश एंड बैंक कितना, इसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं है। आप लोग देख रहे होंगे जिसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं है उसको मैं डायरेक्ट दिखा रहा हूँ, इन्वेंट्री की कोई एडजस्टमेंट नहीं थी डायरेक्ट दिखा दिया, राइट राइट। अच्छा कैश हो गया, ये बताओ लॉन्ग टर्म लायबिलिटी एसेट होता है? नो सर। छोड़ दो अभी, ट्रेड पेबल एसेट होता है? एक मिनट, ट्रेड पेबल एसेट होता है? नो सर, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, कैपिटल एसेट होता है? कैपिटल होता है। ड्राइंग एसेट होता है? नहीं। ड्राइंग किसको कम करता है आपके कैपिटल को? सेल में दिखा दी थी कल, सेल दिखा दी थी इनकम स्टेटमेंट में। परचेज एक्सपेंस होता है, इनकम स्टेटमेंट में दिखा दिया। सैलरी एक्सपेंस, कमीशन एक्सपेंस, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस, इंटरेस्ट एक्सपेंस, ये सारे एक्सपेंस दिखा दिए इनकम स्टेटमेंट पे। अच्छा क्लोजिंग, एक मिनट, क्लोजिंग इन्वेंट्री एसेट दिखा दिया, डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया, एक्रूड इंटरेस्ट तो लायबिलिटी है जो पे करना है वो बाद में दिखाऊंगा अभी लायबिलिटी में, अनएक्सपायर इंश्योरेंस दिखा दी, रिसीवेबल में से ये राइट ऑफ वाला माइनस कर दिया, सप्लाईज का एंडिंग बैलेंस दिखा दिया। इसका मतलब है अब कोई करंट एसेट मौजूद नहीं है, तो करंट एसेट का टोटल कर ले, नहीं है, इन सबको प्लस करें, कैलकुलेटर 925 कितना 24,925। अच्छा किसी ने कहा 24,925, मैसेज भी आया मेरे पास 24,925, दो शहादतें मौसूल हो गई हैं। ठीक है। अच्छा एसेट आप लोग भी क्रॉस चेक कर लें काइंडली, 24,925 करेक्ट है? यस सर। ओके गुड हो गया। अच्छा ये बताएं ये 24,925 कौन सा एसेट कैलकुलेट किया हमने? करंट। ऊपर ये 288,400 कौन सा एसेट थे? नॉन करंट। इन दोनों को प्लस करूंगा तो एक साइड मुकम्मल हो जाएगी बैलेंस शीट की, ये हो जाएंगे टोटल एसेट, ये क्या हो जाएंगे? टोटल एसेट, टोटल एसेट 3,13,325। ओके ओके 313,325। यस सर। अच्छा अभी दो स्टूडेंट ने ये वैल्यू बोली और एक मैसेज भी आया था, तीन शहादतें मौसूल हो गई, टोटल एसेट आ गए। इज दैट क्लियर? यस सर। अच्छा एक बात मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, एक मिनट, किसी को अकाउंटिंग इक्वेशन याद है? मैंने बिल्कुल शुरू में बताई थी अकाउंटिंग इक्वेशन,
Yes, sir. Assets equal to liability. Assets equals to liability plus. अब्रार आपका माइक डिस्टर्ब हो रहा है, प्लीज साइलेंट हो जाए अब्रार। ये मैंने क्या लिखा है? अकाउंटिंग इक्वेशन, एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस, हाँ कैपिटल प्लस लायबिलिटी। कैपिटल इक्विटी को बोलते हैं, कैपिटल किसको बोलते हैं? इक्विटी। इक्विटी एक ही बात है, कैपिटल प्लस लायबिलिटी। ठीक हो गया, अब जरा इधर आ जाए। ये इक्वेशन जो है ना, इसी पे तो बैलेंस शीट बनती है। क्यों इसी पे बैलेंस शीट बनती है? क्योंकि हमने कहा था बैलेंस शीट पे सिर्फ एसेट आएंगे, कैपिटल आएगा और लायबिलिटी। रेवेन्यू एक्सपेंस कहाँ चले गए थे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, इसी इक्वेशन की सीक्वेंस को देखना। एसेट के बाद मैंने क्या लिखा हुआ, इज इक्वल टू के बाद कौन कितनी चीजें आएंगी? दो चीजें। ये मैंने बैलेंस शीट की एक साइड मुकम्मल कर दी, अब मैं लिख रहा हूँ दूसरी साइड, इक्विटी कैपिटल एंड लायबिलिटी। क्या लिखूंगा? कैपिटल एंड लायबिलिटी। अच्छा, इसमें पहले कैपिटल आएगा या पहले लायबिलिटी आएगी? पहले कैपिटल। ठीक है, कैपिटल। अब इधर देखिएगा, ये जरा गौर से समझने की कोशिश कीजिएगा। पहले मैं लिखूंगा कैपिटल वाला पार्ट, मैंने लिखा यहाँ पे कैपिटल। क्या लिखूंगा? कैपिटल। कैपिटल की कैलकुलेशन करने जा रहा हूँ। ठीक है, अच्छा कैपिटल यहाँ पे ऑनर कौन है? एसन ट्रेडर, एसन होगा। Yes. अच्छा, एसन का कैपिटल सवाल में दिया हुआ था। चलें सवाल सामने रखता हूँ, इधर देखो, मैंने अभी तक टिक नहीं किया है कैपिटल पे। ये रहा कैपिटल मिस्टर एसन, नजर आ रहा लिखा हुआ? Yes, एक लाख साठ हजार रुपए। कितना कैपिटल है? एक साठ। एक लाख साठ। इधर देखिएगा, सवाल की तरफ आइएगा। एक लाख साठ हजार रुपए इसका कैपिटल है। नजफ कहते सर हमने तो बिल्कुल ही उल्टा पढ़ा है। जी बिल्कुल, वहां पे थोड़ी रिवर्स पढ़ाते हैं एकेडमिक में। एसन कैपिटल, एसन का कैपिटल कितना है भाई? एक लाख साठ हजार। अच्छा मैं आपसे, आप सबसे एक सवाल पूछ रहा हूँ। जो ओनर होता है, मालिक जो होता है, एसन है यहाँ पे। एसन अगर ड्राइंग कर लेगा, ड्राइंग का मतलब पैसा कहाँ चला जाएगा? घर पे। घर पे। जब घर पे पैसा चला जाएगा तो हम तो बिजनेस की अकाउंटिंग कर रहे हैं या घर की अकाउंटिंग कर रहे हैं? Business. तो बिजनेस में ड्राइंग जब होगी तो कैपिटल बढ़ेगा या कैपिटल कम होगा? कैपिटल कम होगा। वेरी गुड। इधर देखो, ड्राइंग मिस्टर एसन 2000 रुपए, और देखो डेबिट है। डेबिट का मतलब कैपिटल कम होता है, तो डेबिट। ड्राइंग कैपिटल को बढ़ाती है या कम करती है? कम करती है। कम करती है। ड्राइंग को प्लस करूंगा या माइनस करूंगा? माइनस। माइनस। अच्छा अब एक बात सुने गौर से, कल हमने एसन की प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाई थी, किसी को याद है? यस सर। यस सर। बनाया था ना भाई? यस बनाया था। अच्छा yes, sir. अच्छा, एसन को कारोबार में प्रॉफिट हुआ था 25,000 कुछ का हुआ था, याद है? 25,000 था। तो जब प्रॉफिट होगा तो वो प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ेगा या कैपिटल कम होगा? बढ़ेगा। इधर आओ, ये रहा प्रॉफिट, ये रहा प्रॉफिट, नजर आ रहा है नेट प्रॉफिट कल जो मैंने बनाई थी इनकम स्टेटमेंट, ये रही पूरी इनकम स्टेटमेंट। 25,375 नेट प्रॉफिट। इसके कैपिटल में प्लस कर दूंगा या माइनस? प्लस। भाई इसने प्रॉफिट कमाया ना, अल्लाह ताला और बरकत दे, तो भाई इसने प्रॉफिट कमाया तो कैपिटल बढ़ जाएगा, और ड्राइंग करेगा तो कैपिटल यस सर कम होगा। तो 1,60,000 में से ये 2,000 माइनस करके 25,375 ऐड करके बताएं, कैपिटल भी कंप्लीट हो गया, मुकम्मल हो गया कैपिटल। 183375 ओके गुड हो गया। अच्छा मुझे ये बताओ, अकाउंटिंग के खिलाड़ी कितने? नेचर ऑफ अकाउंट बार बार पढ़ाता रहा, पांच। अच्छा एक होता है एसेट, ये एसेट पूरा का पूरा ऊपर कैलकुलेट हो गया। अच्छा कैपिटल यहाँ कैलकुलेट हो गया, कैपिटल का फाइनल आंसर ये आ गया। अच्छा ये जो कल मैंने बनाई थी, ये क्या बनाई थी कल मैंने? रेवेन्यू एक्सपेंस। इनकम, क्या बनाई थी? इनकम स्टेटमेंट। यस। यहाँ पे लिया था सेल, सेल होती है रेवेन्यू। एसओबीएन। एक मिनट, सेल की नेचर क्या होती है? रेवेन्यू। रेवेन्यू। ये सारी कैलकुलेशन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की थी। कॉस्ट कहते हैं एक्सपेंस को, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होती है? एक्सपेंस। एक्सपेंस। ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, नाम ही काफी है। ये भी क्या होता है?
एक्सपेंस. तो कल हमने दो विकटें गिराई थी, कौन कौन सी? रेवेन्यू और एक्सपेंस. आज हमने दो विकटें अभी और गिरा दी है, कौन कौन सी? एसेट एंड कैपिटल. एसेट और कैपिटल. अब कितने विकटें रह गई हैं? एक विकेट. और वो विकेट किसकी रह गई है? अफरीदी की. यार प्लीज, विकेट किसकी रह गई है? लायबिलिटी. अच्छा, लायबिलिटी भी कितनी किस्म की होती है? दो, करंट और नॉन करंट. तो पहले यहाँ पे कौन सी लायबिलिटी आएगी? नॉन करंट. नॉन करंट ये बताओ, एसेट में मैंने पहले कौन सा एसेट दिखाया ऊपर? नॉन करंट. तो लायबिलिटी में भी पहले क्या आती है? नॉन करंट. इधर देखिएगा सवाल की तरफ, सवाल बिल्कुल एंड पर है. सवाल में ये सब ऊपर वाला सब कुछ हो चुका है, इक्विपमेंट, एक्यूमुलेटेड फर्नीचर, एक्यूमुलेटेड ओपनिंग इन्वेंटरी, कल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में चली गई, ट्रेड रिसीवेबल दिखा दिया, अलाउंस माइनस कर दिया, इंश्योरेंस हो गई, कैश हो गया. ये क्या लिखा हुआ है? लॉन्ग टर्म. ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटी का क्या मतलब था? करंट या नॉन करंट? नॉन करंट. तो ये कितने की है? कितने की थी? 1,20,000. नॉन करंट है सर. 1,20,000. अच्छा, 1,20,000. इस सवाल में इसके अलावा कोई और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी मौजूद नहीं है? नहीं है. तो मैं ये डायरेक्ट फाइनल कॉलम में दिखा दूंगा. कितना है? 1,20,000. अच्छा, अब नॉन करंट लायबिलिटीज भी हो गई, तो अब कौन सी लायबिलिटीज बच गई? करंट लायबिलिटी. करंट लायबिलिटी. लायबिलिटीज. ठीक है. अच्छा, अब जरा करंट लायबिलिटीज पे जरा इधर देखिएगा कि हमारे पास सवाल पे दोबारा आना पड़ेगा. किसके पास जाना पड़ेगा? सवाल के. अच्छा, सवाल के पास दोबारा चलते हैं. हमने कहा ये ट्रेड पेबल, अकाउंट पेबल को बोलते हैं. किसको बोलते हैं? अकाउंट पेबल. ट्रेड पेबल, अकाउंट पेबल, और ट्रेड रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल. तो कितना ट्रेड पेबल है? 1,00,000. है क्या? नहीं, वो तो नॉन करंट. 6,950. ट्रेड पेबल से मुराद अकाउंट पेबल. किसको बोलते हैं? अकाउंट पेबल. अकाउंट पेबल करंट लाइबिलिटी होती है, पता है ना, मैंने बताया था बिल्कुल शुरू में. अकाउंट पेबल. 6,950. अच्छा, फिर चलते सवाल के पास. उसके बाद सेल, सॉरी, कैपिटल हो गया. यस सर. ड्राइंग माइनस हो गई कैपिटल में से. यस. सेल रेवेन्यू इनकम स्टेटमेंट पे गई, परचेज एक्सपेंस, सारे एक्सपेंस. एक चीज रह गई, नीचे दिखाता हूँ एडजस्टमेंट पे. क्लोजिंग इन्वेंटरी बैलेंस शीट पे दिखा दी मैंने. डेप्रिसिएशन एसेट में से माइनस कर दिया. जी. अब इसको छोड़ दो, एक्रूड इंटरेस्ट को छोड़ दो. अनएक्सपायर इंश्योरेंस दिखा दी बैलेंस शीट पे जो बच गई थी. ये रिटर्न ऑफ वाले रिसीवेबल में से माइनस कर दिए. ऑफिस सप्लाई 600 रुपए की जो बच गई वो मैंने बैलेंस शीट पे दिखा दी. ये वाली एडजस्टमेंट पढ़ो जो मैंने अब तक नहीं पढ़ी. एक्रूड इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, कितना इंटरेस्ट पे करना बाकी है लायबिलिटी वालों को? 3,000. मैंने कहा था इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट पेबल क्रेडिट. ये देखें, ये वाली एंट्री देखें, इंटरेस्ट पेबल नजर आ रहा है? यस. कितना इंटरेस्ट पेबल है? 3,000. ये करंट लायबिलिटी होता है. कौन सी लायबिलिटी होता है? करंट लायबिलिटी. ठीक है, इंटरेस्ट पेबल. ये करंट इसलिए होता है, 2-3 महीनों में पे हो जाता है. ठीक है. Okay. अच्छा, इन अब तो सवाल में कुछ भी नहीं बचा. अब सवाल में कुछ नहीं बचा. तो 6,950 प्लस 3,000 कितना आ गया? 9,950. अच्छा, 9,950. अब इधर देखिएगा, ये 9,950 कौन सी लायबिलिटी है? करंट लायबिलिटी. करंट. और 1,20,000 कौन सी लायबिलिटी है? नॉन करंट. इसका मतलब है टोटल लायबिलिटी 1,29,950. Yes. Yes, अच्छा, इधर देखिएगा, इक्वेशन कहती है एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू, क्या कहती है इक्वेशन? कैपिटल प्लस लायबिलिटीज. अच्छा, आपके टोटल एसेट कितने के थे? ऊपर देखो जरा, ऊपर देखो, ये टोटल एसेट 3,25,000. अब जरा इनको प्लस करो. यही आंसर आएगा. ये तीनों प्लस करो. सही आ रहा है. इन तीनों को 3,13,000 आ गया. आ गया 3,13,000. यस सर. 3,13,325. इसका मतलब है हमने यहाँ वेरीफाई कर दिया कि एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू कैपिटल प्लस. अच्छा, इधर देखिएगा, एक मिनट जरा आप लोग प्लीज. 3,13,325
ये है टोटल कैपिटल एंड, टोटल कैपिटल एंड और क्या शामिल है इसमें, कैपिटल एंड लायबिलिटी। हाँ, क्योंकि इसके अंदर गिर गई लायबिलिटी की भी, इसके अंदर कैपिटल है 183,375 और लायबिलिटी करंट नॉन करंट दोनों मिलाने के बाद 129,950। तो अब आप देखिए बैलेंस शीट, बैलेंस शीट आपकी बैलेंस हो गई। यस सर। ऊपर आए जरा इधर देखिए, अगर मैं यहाँ समझाऊं इक्वेशन पे रख के, तो मेरे टोटल एसेट कितने के हैं, 313,325। 313,325 टोटल एसेट इतने की है ना जी। अच्छा yes, मेरी टोटल लायबिलिटी कितने की है नीचे, ओ सॉरी कैपिटल कितने का है, 183,375। ये देखे नीचे, नीचे देखो 183,375। ये करना नहीं होता है तो मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ इक्वेशन वाला काम, ठीक है। अच्छा प्लस लायबिलिटी कितनी है, 1,29,000 लायबिलिटी। हाँ इन दोनों को प्लस करना है करंट और नॉन करंट को, 129,950। Yes. आप चेक कर लें आपकी इक्वेशन टैली हो रही होगी, दिस इक्वल टू दिस प्लस दिस, इज दैट क्लियर जी सर। तो भाई ये खेल है इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट का, और ये खेल कल भी होगा, परसों भी होगा, आने वाले वीक में भी चलेगा, अभी चलता रहेगा खेल, क्योंकि मैं इसमें अभी सोल ट्रेडर के अकाउंट पढ़ा रहा हूँ, फिर कंपनी के अकाउंट पढ़ाऊंगा, फिर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का थोड़ा कॉन्सेप्ट दूंगा, फिर छोटी छोटी चीजें। क्या मतलब किसकी एग्जांपल सर, ये एसेट्स और ये कैपिटल लायबिलिटी बराबर कैसे है सर, एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी तो लगाना चाहिए सर हमें। सब कुछ लगाया है हमने, तुम क्लास में नहीं थे क्या? नहीं नहीं क्लास में सो रहे थे तुम शायद। नहीं नहीं सर। फाइक तुम नींद में लग रहे हो मुझे। अरे नहीं सर नींद में नहीं है। अच्छा भाई ये बताओ, ये एक सवाल सबको क्लियर हो गया, इज दैट क्लियर? यस सर। यस सर। ओके गुड हो गया सर। आपसे एक सवाल पूछना है। पूछो सर, ये इतना बड़ा सवाल है, ये क्या पेपर में सिर्फ एक ही सवाल करना है? मेरे भाई आप लोग यार पेपर की फिक्र अभी छोड़ दो, पेपर में इतना बड़ा सवाल नहीं आता, पेपर में या सिर्फ इनकम स्टेटमेंट आती है या सिर्फ बैलेंस शीट, पेपर इतना सिंपल होता ना, ये आपको तीन सवाल करवाऊंगा ना इंशाल्लाह। चले मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करता हूँ तीन सवाल के बाद, सैटरडे के बाद जो क्लास लूंगा ना इंशाल्लाह आइंदा वीक में, अगर वो एक्सेस होता है ना, अगर वो लॉग इन हो रहा होगा घर से, तो मैं आप लोग को इंशाल्लाह मॉक का सवाल सॉल्व करवा दूंगा। आप लोगों के सर ये तो मजाक है, आप तो इतना लंबा पढ़ा रहे थे सवाल, तो जब बड़े बड़े सवाल कर लोगे ना वहाँ पे, सुने वहाँ पे पता ही क्या होगा। चलो मैं आपको अभी टाइम भी थोड़ा शॉर्ट रह गया है ना, तो मैं फॉर्मेट बताऊँ आपको क्या होता है। जी सर बताइए। अच्छा एक मिनट, मॉक से नहीं दिखा सकते आप? मैं असल में मॉक अभी नहीं खुलेगा, लेकिन शायद एक मिनट, शायद मेरे लैपटॉप पे पुराने मॉक के स्क्रीन शॉट हो तो मैं शो करता हूँ, होल्ड कीजिएगा। ओके मैं चेक करता हूँ, मुझे याद पड़ रहा है शायद लास्ट सेशन में भी ऑनलाइन हो गया था ना ये, तो मैंने कुछ चीजें घर से पढ़ाई थी। एक मिनट ओके सर, एक मिनट होल्ड पे रहिएगा। ये डी के अंदर मेरे पास लॉकडाउन कब लगा था डेट बताओ, फेब या मार्च में ना, मैं असल में मंथली फोल्डर भी बनाता हूँ ना, मार्च में लगा था लॉकडाउन, मार्च ठीक है, फेब के अंदर ICMAP और इसमें ऑनलाइन तो नहीं है। अच्छा एक मिनट होल्ड कीजिएगा, शायद कुछ ना कुछ मिल जाएगा। डेस्कटॉप इसमें FA नहीं। अच्छा भाई 22 जून नहीं, एक मिनट। और यार आप लोग बातें नहीं करें प्लीज, देखें मैं कुछ चीजें आप लोगों के लिए चेक कर रहा हूँ, प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है बातें नहीं करें, राइट।
जी मैं एक मिनट चेक करूँ वो क्वेश्चन जो है ना, अगर मुझे मिल जाए एक मिनट होल्ड पे रहिएगा। इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट अच्छा यार स्टूडेंट अभी जो है ना वो मुझे नजर नहीं आ रहे, मैं चलें उसको देखता हूँ आपको बताऊंगा। आप लोग जरा आवाज आ रही है सबको? जी सर। ठीक है अच्छा मेरी बात सुने, मैं आपको वैसे ही बताता हूँ कि किस तरीके से सवाल पेपर में आता है, क्योंकि मैंने तो एक्टेस कैसे करें समझ नहीं आ रही इस सवाल की। भाई जो मैं पढ़ाता जा रहा हूँ ना वो प्रैक्टिस करते रहे। क्या कह रहे हैं आप? मेन कैंपस से आए हैं मेरिट पे भी कई दफा है, मेरे के स्टूडेंट्स के भी अल्हम्दुलिल्लाह आए, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा बहरहाल आप एक बात सुन ले, बात ये है कि वहाँ जो पेपर में होगा ना, देखो वहाँ पे कॉलम बना हुआ, वहाँ पे ये लिखा हुआ होता है सेल, वहाँ पे लिखा होता है कॉस्ट ऑफ सेल। आपको सेल बता देंगे आप, यहाँ कॉलम पे लिख देना कॉस्ट ऑफ सेल बता देंगे, इन दोनों के डिफरेंस से आप क्या निकाल लोगे? लॉस प्रॉफिट, थोड़े से ऑपरेटिंग एक्सपेंस आपको प्लस माइनस करके निकालने, आपका प्रॉफिट आ जाएगा बस। या तो खाली इनकम स्टेटमेंट बनानी होगी या खाली क्या बनानी होगी? बैलेंस शीट। हाँ देखो मैं अगर मालूम करता हूँ, अगर पासवर्ड मिलता है ना तो फ्राइडे सैटरडे की क्लास में या जो नेक्स्ट वीक में जो रात में क्लास लेता हूँ ना उसमें आपको डायरेक्ट लाइव सेशन करके ना मॉक मतलब लाइक डायरेक्ट नेट पे खुलेगा ना तो वहीं से सॉल्व करवाऊंगा। राइट सर? यस सर। ठीक हो गया? गुड हो गया। अच्छा भाई अब मैं एक मिनट अभी क्लास में ऑफ नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा सा आप लोग यहीं रहिएगा और मैं एक आध सवाल आपके सामने स्क्रीन पे शेयर करना चाह रहा हूँ। ठीक है सर, अभी आपको छोड़ के भी नहीं जाना जी सर। फॉर्मेट बने हुए होते हैं वहां पे, वो कंपैरेटिवली बहुत आसान है, लेकिन थोड़ा सा आपको बस ये करना है कि कम से कम कल और परसों की क्लास में दो सवाल भी मैंने आपको करवा दी ना, दो तो हो जाएंगे इंशाल्लाह, मेरी कोशिश है तीन हो जाए, क्योंकि कल फ्राइडे कल तो एक होगा लेकिन परसों लंबी क्लास होती है ना। और जैसे जैसे हम क्वेश्चन करते रहेंगे ना याद रखना, वैसे वैसे हमारी स्पीड खुद ब खुद ही क्या होना शुरू हो जाएगी, बढ़ना। हाँ हाँ कल आप देखिएगा डेढ़ घंटा है उसके अंदर भी इंशाल्लाह ये सवाल। अब मैं बताता हूँ कल कौन सा सवाल मैं करवाऊंगा, एक मिनट इधर रुकिएगा। अच्छा सर पेपर में सिर्फ वही चीज आएंगी जो सिर्फ आपने पढ़ाई है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है? नहीं नहीं पेपर में तो देखें एवरीथिंग इज मतलब सिलेबस में से ही आएगा भाई, इंशाल्लाह हम चीजें कवर करते हुए जा रहे हैं उसी में से आएगा इंशाल्लाह। राइट इंशाल्लाह। राइट ठीक हो गया, इज दैट क्लियर? पढ़ा रहा हूं उसी में से। हाँ आप चीजों को बस रेडी करें, मैं आपको मॉक करवाऊंगा ना, टेंशन क्यों ले रहे हैं आप लोग? पहली दफा दे रहे ना कोई मसला नहीं, मैंने भी जब पहली मरतबा पेपर दिए थे ना आईसीएमए के बहुत टेंशन हो रही थी, मैंने शायद क्लास में बताया भी था। आपने कितने साल में आईसीएमए? मैंने कितने साल में? हमारा तो सही अल्लाह का शुक्र है, हमारा सही टाइम से हो गया, आप लोग टेंशन नहीं ले, आप लोग का भी हो जाएगा इंशाल्लाह। सर तो बताए तो नहीं सर, ईयर तो बताए क्या करोगे सर, शर्मा रहे हैं आप। असल में हमने जॉब के साथ किया है ना, जॉब के साथ थोड़ा टाइम भी लग जाता है, एक बात ध्यान में रखना। और हमने कुछ पेपर तो बहुत बता दें। अच्छा ये मैंने कुछ सवाल टॉप पे रखा है, नजर आ रहा है कुछ आप लोगों को? ये सवाल सही नजर आ रहे हैं? सर आपने बात घुमा दी, पहले सवाल देखो टाइम पे। हाँ भाई मैं बता दूं, मैंने शुरू में बहुत स्पीड से भी निकाले अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने पांच पांच पेपर भी एक साथ निकाले अल्हम्दुलिल्लाह, ये चीज ध्यान में रखिएगा, एक एक अटेम्प्ट में अल्हम्दुलिल्लाह। सर आपसे जब भी पूछता आप यही बोल देते हैं, तीन भी निकाले अल्हम्दुलिल्लाह एक अटेम्प्ट में, फिर दोबारा तीन निकाले अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हमने अटेम्प्ट जाया भी, हमने अटेम्प्ट जाया भी की ये भी याद रखना। ठीक है फेल होकर रकातें भी पढ़ी है ना आपने तो, अल्हम्दुलिल्लाह हम टेंशन नहीं लेते थे, गिरते शे से हमारे मैदान जंग में। अच्छा भाई ये सवाल नजर आ रहा है आप लोगों को? जरा थोड़ा और फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा करूं सर, सही है बता, सही है सर सही है। अच्छा नीचे नीचे पढ़े क्या लिखा हुआ है रिक्वायरमेंट? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नहीं ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और स्टेटमेंट ऑफ, दोनों बनानी है दोनों सर। अच्छा मिस्टर हसन इज इंगेज इन अ ट्रेडिंग बिजनेस, द फॉलोइंग मालूमात
following balances were extracted from the books of accounting year ended December 31st, 2015? सेल कहाँ जाएगी अभी मुझे आपसे मैं भी सिर्फ आइडिया ले रहा हूँ कल सॉल्व करूंगा सुबह इसको सेल को कहाँ लेके जाऊंगा बैलेंस शीट या इनकम स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस इनकम स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस यस सर सेलिंग एक्सपेंस सेलिंग एक्सपेंस ठीक है परचेजेस परचेजेस प्रॉफिट एंड लॉस ठीक हो गया अच्छा फिर ये बताएं कि कैरिज इनवर्ड सर क्या मतलब कैरिज इनवर्ड एक्सपेंस है एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस सैलरीज एंड वेजेस प्रॉफिट एंड लॉस मोटर रनिंग एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस रेंट एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस बैंक मार्कअप इंटरेस्ट को बोलते हैं किसको बोलते हैं इंटरेस्ट नहीं लायबिलिटी थोड़ी है एक्सपेंस है ना इंटरेस्ट की नेचर क्या होती है एक्सपेंस एक्सपेंस का इंटरेस्ट इंटरेस्ट की नेचर क्या होती है प्रॉफिट एंड लॉस इंटरेस्ट की नेचर प्रॉफिट एंड लॉस एक्सपेंस एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस एक्सपेंस इंटरेस्ट इंटरेस्ट अच्छा ये परचेज डिस्काउंट बताऊंगा अदर इनकम होती है कल बताऊंगा इसको इनकम में लेके जाते हैं सन्ड्री एक्सपेंस एक्सपेंस है रिसीवेबल एसेट बैलेंस शीट बैलेंस शीट और ट्रेड पेबल क्या होती है ट्रेड पेबल लायबिलिटी ये भी कहा जाएगा बैलेंस शीट ठीक है ओपनिंग इन्वेंटरी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में जाती है कहाँ जाती है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फर्नीचर एंड फिक्स्चर फर्नीचर एंड फिक्स्चर एसेट फाइनेंशियल पोजीशन डिलीवरी ट्रक ट्रक्स क्या है ये ट्रक्स एसेटेड ट्रक आपके अच्छा इन दोनों के ऊपर पहले से कितना कितना डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड हो चुका है 180 और इस साल का भी डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट में दिया हुआ होगा यस सर अच्छा अकाउंट रिसीवेबल में कितना डाउटफुल डेट्स है 4000 बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी होता है क्या होता है लायबिलिटी कैश एसेट बैलेंस शीट पे जाएगा हसन का कैपिटल और हसन की ड्राइंग अच्छा ड्राइंग बिल्कुल कैपिटल में जाएगा ड्राइंग कैपिटल में से माइनस होगी देखिए अब आप लोगों को समझ में आ रहा है ना थोड़ा थोड़ा खुद ही आप लोग आंसर दे रहे हैं यस सर कल इस सवाल की मैं एडजस्टमेंट नहीं बनाऊंगा डायरेक्ट सॉल्व करूंगा इंशाल्लाह बगैर एडजस्टमेंट बनाए डायरेक्ट क्या क्या बनाऊंगा इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट यानी अगर मैं एसओपीएल और एसओ एसओपीएल और एसओ एफपी FP. अच्छा नीचे आ जाए एंडिंग इन्वेंट्री कितनी बची हुई है 10 लाख ये लिखा हुआ ना एडजस्टमेंट पे सैलरी और वेजेस 2000 रुपए की एक्रूड है yes, sir. Yes, sir. एक्रूड का मतलब ये आपको देना अभी बाकी है हाँ महा जी अच्छा बरिया आपने एमसीक्यूज का पूछा है एमसीक्यूज जो है ना वो बेसिकली जो हम चीजें पढ़ रहे हैं वहीं से कवर होंगे इंशाल्लाह कुछ मैंने कहा है ना अब थोड़ी सी चीजें और कवर करवा के मैं कुछ फाइल्स आपको एमसीक्यूज की दूंगा उससे आप लोग प्रैक्टिस करेंगे मोस्ट प्रोबेबिलिटी फेब के फर्स्ट वीक में दूंगा फेस के सर ठीक है और कुछ चीजें जो है ना मैं खुद भी करवाऊंगा आपको एमसीक्यूज मॉक सेशन से राइट जिस तरह मैं क्लास पे आपको मॉक सेशन करवाता था उसके एमसीक्यूज तो मैंने ज्यादातर करवा दिए थे एमसीक्यूज करवा दूंगा महा आपने बोला बैंक ओवरड्राफ्ट का फिर से बता दे महा बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी होता है यानी आपने बैंक से पैसे उधार लिए हुए हैं राइट अच्छा प्रीपेड रेंट कितना है आपके पास 21,625 और ये क्या दिया है फर्नीचर और फिक्स्चर पे कितना डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करना है इस साल का 10% स्ट्रेट लाइन 25% और डिलीवरी ट्रक पे डेप्रिसिएशन कितना करना है 25% कौन से मेथड से रिड्यूसिंग बैलेंस ऐसे ही अच्छा मैं कोशिश करूंगा ये सवाल कल आपको बिल्कुल क्लियर करके वाज़े मतलब स्क्रीन पे शेयर करूंगा राइट अच्छा ड्यूरिंग द ईयर हसन ने कितने की गुड्स विथड्रॉ कर ली बोलना भूल गए जी अगले में मिस्टर हसन ने कितने की गुड्स विथड्रॉ कर ली 20,000 ये भी ड्राइंग है इनकी ये भी ड्राइंग में चला जाएगा तो ये सवाल समझ में आई आप लोगों को थोड़ा बहुत विड्रॉ का मतलब पैसे निकाल लिए पर्सनल यूज के लिए राइट
ओके सर। अच्छा मैं एक काम करता हूँ ना, एक मिनट, ये सवाल तो कल मैं इंशाल्लाह आपको करवाऊंगा, और उससे पहले मैंने कल आपको पीडीएफ सेंड की थी। नो सर। पहले सवाल नहीं सर, नहीं की थी। नो अच्छा होल्ड पे रहिएगा, अभी आपके सामने सर, एक मिनट होल्ड पे रहिएगा, एक मिनट खाली, ये भी आपको सेंड कर रहा हूँ मैं। और ये क्या नाम है इसका, फाइनल अकाउंट क्वेश्चन वन कर दूं या क्या नाम रखूं फाइल का, एसेट ट्रेडर रख दूं? यस सर, डे टू नहीं, जो मैंने अभी पढ़ाया है ना, मैं एसेट ट्रेडर, जी जी एसेट ट्रेडर ही रख रहा हूँ। वो इसलिए क्योंकि मसला ये है कि जो है ना, वो इसमें मैंने थ्योरी भी लिखी है फाइनल अकाउंट की। बहरहाल मैं इसका नाम लिख देता हूँ, एहसन। आप होल्ड पे रहिएगा, मैं आपको अभी भेज दूं, ताकि आप लोग थोड़ा सा अगर रात में टाइम मिले तो उसमें एक यार, ये पता नहीं, एक बार बताऊं मैं, कोई आईफोन वाला। अच्छा मैं एक मिनट बताता हूं एक चीज ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं सुबह से पढ़ा रहा होता हूं अल्हम्दुलिल्लाह, ये असल में कुछ बच्चे जो है ना, पता नहीं नॉन सीरियस आ जाते हैं इस क्लास में, या पता नहीं क्या मसला है, असल में उनको भी एहसास नहीं होगा, ये पता है अपने आप को भी डिस्टर्ब करते हैं, लोगों को भी डिस्टर्ब करते, टेम्पररी इनको लगता है कि हम शायद खेल रहे, और सर दो चार रुकेंगे ना फिर इनको पता चलेगा। अभी असल में थोड़ा सा इनको अपने ऊपर जो है ना बहुत ज्यादा कुछ ओवर कॉन्फिडेंस हुए हैं, ठीक है ना, अपने आप को पता नहीं क्या समझते, और ये टीचर के साथ मजाक करते इस तरीके से, तो बहरहाल अल्लाह ताला इन लोगों को हिदायत दे। कुछ पे तो मुझे शक है, मैं समझता हूँ कुछ बच्चों को तो मैं हिदायत नहीं दे सकता, तो निस्तो नाबूद कर दे। बात कर रहे हैं सर अपने। बहरहाल ये जो भी है ना, बहरहाल एक बार बता दूं, ये आप लोग सही नहीं करते, अगर कोई स्टूडेंट जो इस टाइप की एक्टिविटीज करता है, क्लास को डिस्टर्ब करता है, कुछ दौरान क्लास कुछ लिख रहा होता है, डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा होता है, तो सुन ले सर, अल्लाह पाक हिदायत दे, अगर हदायत इनके मुकद्दर में नहीं तो इनको निस्तो ना नहीं, अल्लाह पाक बस हमारी दुआ है कि इनको हिदायत दे दे और इनको अकल आ जाए। सबसे अच्छा इनको पता सबसे अच्छी आपकी क्लास ही होती है सर, ये नहीं तो कम्युनिकेशन की क्लास में तो उससे ज्यादा बदतमीजियां होती हैं सर। अच्छा सर, उसमें कुछ समझ भी नहीं आता है वैसे, यकीन माने वो तो ऊपर से गुजरती है, मेरा कम्युनिकेशन रुकेगा, ऐसा कुछ नहीं होता भाई, चौथी बार में क्लियर कर लूंगा कम्युनिकेशन, बाकी दो तो पहले अटेम्प्ट में निकाल लूंगा। ऐसी बात नहीं है, आप सोच रहे हो, हम भी ये सोच रहे थे सर। सर वैसे पूछा कि पेपर का क्या करें, कह रहे हैं अगली अटेम्प्ट में दे देना, अभी दो ही नहीं। अच्छा मैं यहाँ पे सेक्शन बी के कुछ स्टूडेंट को मैं भी ये मशवरा दूंगा थोड़ा सा, सेक्शन बी के कुछ स्टूडेंट को अगर मसला हो ना ज्यादा, तो वो दोबारा अटेम्प्ट होगी मई में, मुश्किल होगी अगर आप आगे फील्ड चेंज करना चाहते हो तो आप दे दो। अच्छा भाई ये वर्किंग वाला पेज तक मैंने इसको जो ना कॉपी कर दिया है, पीडीएफ कन्वर्ट कर दिए, और ये नाम जो है ना असल में, एक मिनट आप लोग होल्ड पे रहिएगा। हाँ जी सर, सर आपसे बात भी करनी है ना। जी जी आप बोले, बोलते रहे, मैं ईमेल आप लोगों को व्हाट्सएप पूछा था कि अभी मैं आगे जैसे अगर सीए करना चाहता हूँ तो उस टाइम एग्जेम्पशन लेने में मसला तो नहीं होगा? देखिए आप सीए करना चाह रहे हैं, सीए में कर रहे हैं, एक चीज को इख्तियार करें ना, दो किश्ती के मुसाफिर नहीं बने, तो वहाँ चले जाओ डायरेक्ट। यानी बस नहीं अभी नहीं सर, सीए में क्लियर करूंगा पहले इंशाल्लाह। अच्छा फिर सीए, फिर अगर प्लान बन गया सही है, एक चीज क्लियर कर लोगे ना खुद। जी जी ये वंस क्वालिफाइड क्वालिफाइड होता है अल्हम्दुलिल्लाह, एक दफा एक चीज क्लियर कर लोगे तो फिर एक ही जगह रहोगे इंशाल्लाह। अच्छा सर ये जो एक चीज और पूछनी थी सर, ये 4 ईयर ग्रेजुएशन जो कर दिया, 4 ईयर ग्रेजुएशन की वजह से अब हम बीकॉम तो कर नहीं सकते, अगर एमबीए में एडमिशन लेना होगा तो फिर 4 साल की ग्रेजुएशन भी करें? नहीं नहीं ग्रेजुएशन जो है ना, अब सुना है कि 4 साल की हो रही है लेकिन नहीं सर अभी भी 2 साल की है, 2023 तक पोस्टपोन कर दिया, कुछ उसमें है वेरिएशन है, नहीं ऐसा हुआ सर, एचईसी ने नोटिस डाले कि जो भी ले रहा है फिर हमारा जिम्मा नहीं है। अच्छा भाई अभी मैं आपको 2 दिन पुरानी ऑफिशियल न्यूज़ भेज देता हूं यार, मैं आपको एचईसी की वेबसाइट खोल के दिखा देता हूं। हां जाओ अच्छा एक मिनट, एचईसी की वेबसाइट ये मैं फाइल शेयर कर रहा हूं और मुझे बताइएगा
सर मैं सीएमए करूंगा फिर शादी करूंगा सर। अच्छा और अपने बच्चों के साथ बाकी पेपर दूंगा। एसएन ट्रेडर्स की मैंने फाइल शेयर की है, अगर रिसीव हो तो मुझे बताइएगा। अगर सर का इतना देर से हुआ है तो सबका थोड़ी ना होगा। अच्छा मेरा देर से नहीं हुआ, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। अरे सर से पहले हो गया था सर, जवान है सर, बात घुमा देते सर से, जब भी पूछो कि कब हुआ सर बात घुमा देते। भाई मैंने बताया तो मैंने जॉब के साथ किया है, आप लोग तो बगैर जॉब के साथ। ये भी बताया नहीं भाई, किसी को फाइल रिसीव हुई है अब तक? यार ये नेट है ना, एक मिनट नेट को जरा मैं थोड़ा इलाज उला कर लूं। तो सर अभी ग्रेजुएशन करना जरूरी है या नहीं ये तो बता दें। देखिए ये तो आपके ऊपर है ना, आप ग्रेजुएशन करना चाहते नहीं करना चाहते। एसएन ट्रेडर देखिए बस ये बीकॉम का कंफर्म करके बता दें, अगर बीकॉम में एडमिशन ले लें तो कोई भाई मेरा मशवरा है एडमिशन ले लो, मेरा मशवरा है किसी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले लो, आपकी तैयारी तो वैसे भी हो जाती है, पेपर आप आराम से क्लियर कर लोगे इंशाल्लाह, ताकि आपके पास एटलीस्ट एक डिग्री भी आ जाएगी, आगे आपके मास्टर के रास्ते भी खुले हुए होंगे। क्योंकि सर मास्टर्स को तो अब मेरे ख्याल में 14 इयर्स पे कर दिया, 14 नहीं 16 पे कर दिया, तो वो उसके लिए कहते हैं कि 4 साल का ट्रेनिंग करना भी। अच्छा भाई ये बताएं किसी को फाइल रिसीव हो गई? मैंने एक आध ग्रुप में तो मिल गई है शायद। नहीं सर अभी तक नहीं आई। जी आइए। अच्छा ये ए बॉयज और ये ए गर्ल्स, बी बॉयज और जी बॉयज और जी गर्ल्स, बी गर्ल्स में पहले चली गई थी। अब ये देखिएगा सबको मैंने सेंड कर दिए, सारे ग्रुप में फाइल आ रही है सर, हमारे पास भी आ गई। ठीक है तो ये थोड़ा सा इस तरह, अच्छा एक बात सुन लें, थोड़ा सा रात को, अच्छा थोड़ा सा रात को मौका मिले या सुबह मौका मिले, क्योंकि सुबह क्लास आपकी 11:30 बजे है, थोड़ी देर से होती है, बहरहाल शायद कोई और भी क्लास होती है। ठीक है वो कम्युनिकेशन सुबह फजर के बाद पढ़ लेना, फर्स्ट ईयर वाले क्वेश्चन ही कर ले, फर्स्ट ईयर वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं अगर चाहो तो थोड़े बहुत। ठीक है नॉन कॉमर्स वाले बच्चे कर सकते हैं। यस आप छोड़ दे अभी, आप लोग भी टेंशन लें। ठीक है भाई यहां तक सबको क्लियर है, चीजें रिसीव हो गई है? यस सर। जी सर। ठीक है भाई फिर कल सुबह पता ना कितने बजे क्लास होती है? यस सर 11:30 सुबह इंशाल्लाह आप लोगों की क्लास होगी, जो आपकी स्केड्यूल क्लास होती है कितने बजे? 11:30 से 1 बजे तक मेरी सुबह क्लास चल रही होगी सीए की, और वो 11:30 बजे ही खत्म होगी, तो मैं उसको बिल्कुल डिस्कनेक्ट करके फौरन आप लोगों से कनेक्ट हो जाऊंगा इंशाल्लाह। ठीक है यस सर हमारी भी 11:00 बजे खत्म होगी, और मेरी पूरी कोशिश होगी जिस तरह आज मैंने 10 मिनट में स्टार्ट कर दी थी 10:10 में, तो कल मैक्सिमम 11:40 पे इंशाल्लाह स्टार्ट कर दूंगा, और आप देखिएगा ये सवाल आराम से हो जाएगा, ये सवाल कल पूरा कंप्लीट होगा इंशाल्लाह, एक ही मतलब क्लास में इनकम स्टेटमेंट भी और इंशाल्लाह बैलेंस शीट। लेकिन सुन ले पेपर में ये दो अलग अलग सवाल आते हैं, 10 नंबर का इनकम स्टेटमेंट, 10 नंबर की बैलेंस शीट, किसी बच्चे की खाली इनकम जी, किसी की खाली इनकम स्टेटमेंट आती है, किसी की खाली बैलेंस शीट आती है, किसी के दोनों भी आ जाते हैं, दो आएंगे तो वो 20 नंबर के होंगे, एक एक 10-10 नंबर का होता है। ठीक है सर वहाँ पे हमें नहीं होगी तो हम एक्स्ट्रा पेज पे करेंगे या फिर बिल्कुल नहीं वहाँ नहीं करोगे, एक्स्ट्रा पेज पे करोगे सब कुछ एक्स्ट्रा पेज पे। कितने मार्क्स के आते हैं? 70 बाकी 30 के एमटीक्यूज। ओके भाई फाइल रिसीव हो गई है होपफुली सबको, और उनमें से 20 की तो यही होगा सिर्फ 30 के ये होते फाइल, फाइल रिसीव हो गई आपको? यस सर। दैट्स ऑल फॉर टुडे, अल्लाह हाफिज़। नासिर पाकिस्तान जिंदाबाद।